नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7। वाराणसी सिगरा माधोपुर स्थित इंडियन नेशनल समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रिया सिंह के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता कर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चंदौली से पद्मा के नर के नाम की घोषणा की गई। उक्त मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि पार्टी के सर्वसम्मति से वह पद्मा किन्नर जी द्वारा पूर्व में किए गए सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर चंदौली लोकसभा चुनाव में प्रत्याशित घोषित किया गया। निम्न योजनाओं पर हम कार्य करेंगे। चंदौली लोकसभा में जितने विधानसभा हैं उसमें यह योजनाएं दी जाएंगी। 60 साल के वृद्ध को वृद्धा पेंशन, 1 लाख वर्षीय परिवार के एक सदस्य को वृद्ध आश्रम, हॉस्पिटल एवं रोजगार केंद्र, गरीबी रेखा के युवाओं एवं कन्याओं को बेरोजगारी भत्ता 10,000 वार्षिक, किसान योजना एवं कुटीर योजना के तहत लिए गए कर्ज की माफ़ी इसमें शामिल है। ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 के लिए मुकेश पांडे, वाराणसी। वादा नहीं करना है, निभा कर दिखाना है। कहा जाता है कि तूफान कर रहा था मेरे अश्क का तवाब, लोग समझ रहे थे मेरी कश्ती भंवर में है। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते साथियों, और चंदौली जिले के जितने भी हमारे सभी अदर महादेव, मेरा नाम पद्मा किन्नर है। मैं चंदौली विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ और मैं बस आपका और पूरी जनता का सपोर्ट चाहती हूँ। और जनता के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी, उनके हर एक कार्य के लिए मैं उनके आगे खड़ी रहूँगी। जैसे कि कुछ हमारी योजनाएँ हमने बना रखे हैं, ठीक है। चंदौली लोकसभा में 60 साल के वृद्ध को वृद्धा पेंशन 1 लाख वार्षिक परिवार के एक सदस्य को दिया जाएगा जी। जिससे कि मतलब उनका बुढ़ापा आराम से कर सके, ठीक है। उनके बुढ़ापे में उनको बेटा बहू घर से ना निकाले, ना भगाए। और दूसरा हम लोगों ने हैं रखा है अपना योजना वृद्धा आश्रम, हॉस्पिटल एवं रोजगार केंद्र, जो चंदौली में चंदौली विधानसभा में हम लोग का ये हमारा बनाने का सपना है। गरीब रेखा के युवक एवं कन्याओं को रोजगारी भत्ता 1,000-10,000 वार्षिक दिया जाएगा, ठीक है। चौथी नंबर हमारी योजना है किसान योजना एवं कुटीर योजना के तहत लिए गए कर्ज की माफ़ी। जो भी हमारे किसान भाई कर्ज लेकर कर्ज नहीं चुका पाते हैं, अगर हमारी सत्ता में सरकार, अगर हमारी पार्टी आती है इस सत्ता में, तो हम उनका ये कर्ज माफ़ कर देंगे। हमारी पार्टी की तरफ से माफ़ किया जाएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता दी। मेरा नाम पद्मा किन्नर है। मैं चंदौली लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि चंदौली की जनता मेरा सपोर्ट करे। कितना चुनौती समझती है मैडम, आप पांडे प्रत्याशी हैं? चंदौली की जनता सबको देख कर के थक गई है, अब उसको कुछ नया चाहिए। तो नया में मैं अपने आप को समझती हूँ कि अगर मैं उतरूँगी मैदान में तो जनता मेरा सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारे ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। हमको किसी के लिए नहीं कमाना है, हमको किसी के लिए नहीं बनाना। हमको जो भी कमाना है, जो भी बनाना है, अपने ज़िले के जनता के लिए बनाना है, ठीक है। उनके विकास के लिए बनाना है और क्या कर। चंदौली में विकास हुआ है? चंदौली में क्या विकास हुआ है, आप मीडिया खुद जानते हैं क्या विकास हुआ, नहीं हुआ है। आपसे तो कुछ छुपा है नहीं। भाजपा तो कहती है कि सड़कों की चौड़ीकरण हुई है काफ़ी। सिर्फ सड़क बन जाने से, चौड़ीकरण हो जाने से चंदौली का विकास नहीं हो जाता है। आज भी चंदौली के लोग अच्छी शिक्षा के लिए बनारस आते हैं, और ऐसा कोई भी कानूनी कागज हो, पत्थर हो, उनका पास होना रहे तो बनारस आते। चंदौली में क्या है आप बताइए हमें। आपके पोजीशन में आप किसको मानती हैं, किससे आपकी लड़ाई है? आपकी लड़ाई किस पार्टी से? मैं किसी पार्टी से लड़ाई में नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपना चंदौली जिला के जनता के लिए लड़ रही हूँ और किसी के मैं विरोध में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि चंदौली की जनता मेरा सपोर्ट करे और मैं उनके लिए आगे कुछ काम करूँ। मोदी जी के बारे में अच्छा सोचते हैं कि ये सोचते हैं कि अब इनको जाना चाहिए? मोदी की सरकार अब राजनीति की जानी चाहिए। देखिए, हमारे सोचने से ना सोचने से कुछ नहीं होगा। जनता जो चाहती है मैं वो चाहती हूँ। सबका साथ बातें ये करते हैं भाजपा वाले, फिर भी आप चुनाव में आ रही हैं तो इन्हीं को डिस्टर्ब करेंगी? ऐसा कोई बात नहीं, मैं मोदी जी को फिर डिस्टर्ब करूँगी।